पहले नमस्कार दोस्तों, अगर आप धोनी को अच्छा कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आईपीएल 2018 के 24वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय किया है। चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने हरभजन सिंह और इमरान ताहिर को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। वहीं आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने पवन नेगी और कॉलिन डी ग्रैंडहोम को टीम में जगह दी है और इस मैच में पहले बल्लेबाजी कर रही बेंगलुरु की टीम की शुरुआत के लिए काफी अच्छी रही। परंतु इसी दौरान मैदान में चेन्नई की टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इतनी अद्भुत फील्डिंग करके दिखाई जिसे देखकर सभी हैरान हो गए। आपको बता दें कि यह पूरा वाक्य है पारी के 30 ओवर का, जिसको डाल रहे थे दीपक चहर और उस समय स्ट्राइक पर खड़े थे क्विंटन डीकॉक। और इस ओवर की दूसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में डीकॉक ने अपना बल्ला को घुमाया, लेकिन गेंद हवा में ही काफी ऊपर पीछे की तरफ चली गई और इसी कैच को पकड़ने के लिए पैर पहने महेंद्र सिंह धोनी बड़ी तेजी से दौड़ पड़े और इस गेंद को बाउंड्री के पास जाने से पहले ही ड्राइव लगाकर रोक लिया। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी का यह रॉकेट थ्रो इतना तेज था जिसे देखकर मैदान में खड़े सभी खिलाड़ी हैरान रह गए। हालांकि धोनी इस कैच को तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन धोनी की फील्डिंग देख कमेंट्री कर रहे इरफान पठान और आकाश चोपड़ा भी बोल पड़े कि उन्होंने आज तक अपने करियर में धोनी विकेट के पीछे इतनी तेज दौड़ते हुए नहीं देखा। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी की इतनी जबरदस्त फील्डिंग से पता चलता है कि वह आज भी कितने फिट खिलाड़ी हैं। लेकिन दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी की इतनी जबरदस्त फील्डिंग पर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।